गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? प्रेम कला। प्रेम कला। प्रेम कला जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल के हूँ। आप नेपाल के रहने वाले हो, अभी कहाँ पे रह रहे हो? 29 में। 29 कहाँ? चंडीगढ़। हाँ जी, चंडीगढ़। 29। चंडीगढ़ 29 में। आप क्या हाउस वाइफ हो, क्या करते हो? घर में ही हूँ मैं। आप घर में रहते हैं? घर में रहते हैं। तो आप, आपको डिएक्शन के बारे में कैसे पता चला और डिएक्शन के लिए किसने आपको इंट्रोड्यूस करा, किसने बताया कि क्या डिएक्शन है और आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप अपने किस प्रॉब्लम में डिएक्शन में शामिल हुए? ये तो मैंने भाई से बात किया था। अपने भाई से बात करी थी आपने? अपने भाई से बात किया था कि मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। अच्छा। तभी मैं भाई से बात किया तो भाई ने बोला कि मेरी किडनी फेल थी, तो मैंने यही प्रोडक्ट लेने के बाद मेरा ठीक हो गया था। आपके भाई ने आपको बताया डिएक्शन के बारे में? हाँ। तो सबसे पहले आपने जो थायराइड था आपका, कौन सा वजन बढ़ने वाला था या वजन कम होने वाला था? बढ़ने वाला था, मतलब पूरी शरीर, मतलब सूजन थी, हाथ में सूजन, पैर में सूजन, गले में सूजन, मतलब गला एकदम, मतलब अंदर से मांस निकलना। अच्छा। और गला पाकना, सांस में प्रॉब्लम थी और चला नहीं जा रहा था, वजन बढ़ता जा रहा था, मतलब घटने का कोई नाम ही नहीं था। अच्छा। तो भाई ने बताया कि ये प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट ले ले, फिर ठीक हो जाएगा, तो मैंने फिर लेना शुरू कर दिया। कौन कौन से प्रोडक्ट आपने शुरू करे लेने? स्पायरोलिना है। सबसे पहले स्पायरोलिना ली? हाँ जी। ये स्पायरोलिना खाई? हाँ, ये मतलब सुबह 6 कैप्सूल लेती थी पहले, शुरू में सुबह 6 गोलियाँ। हाँ जी। अच्छा। शुरू में 6 कैप्सूल लेती थी खाली पेट। फिर उसके बाद मैं, मतलब ये आरजी जेल, ये लेना शुरू कर दिया, एक एक कैप्सूल आरजी जेल। हाँ जी, ये दोनों एक एक कैप्सूल ले रही थी मैं शुरू में एक एक कैप्सूल लिया। अच्छा, और क्या लिया उसके बाद? डोज बढ़ाई इसके बाद में? हाँ, मैंने मतलब एक महीने के बाद ही बढ़ाया, फिर दो दो लेना शुरू कर दिया। फिर दो दो सुबह शाम, मतलब मैं लेती थी सुबह शाम, दो दो जोड़े रहते थे। सुबह 6 कैप्सूल लेती थी स्पायरोलिना के, सुबह 6 स्पायरोलिना, फिर उसके बाद दोनों रात को भी 6 लेती थी, खाना खाने से पहले। फिर इसका भी वही है, मतलब सुबह एक एक कैप्सूल और रात को भी एक एक कैप्सूल लेती थी। मतलब दो पेयर आपने आरजी जेल और 6 स्पायरोलिना आपने जो है कंज्यूम करी? एक महीने तक ऐसे ही लेती रही। अच्छा। फिर उसके बाद मतलब फिर बढ़ाया, दो दो करना शुरू कर दिया इनका, ये दोनों आरजी जेल, मतलब दो दो कर दिया। फिर दूसरी, मतलब 12 लेना शुरू कर दिया। अच्छा। स्पायरोलिना 12 लेना शुरू कर दिया। अब मैं इस बार लेना, मतलब सुबह 12 लेती हूँ और शाम को 12 लेती हूँ। 24 पैरोलिना? हाँ। थायराइड में? हाँ। तो आपको क्या बेनिफिट मिला 24 पैरोलिना का? मतलब अंदर से गला पाक रहा था तो वो ठीक हो गया, सांस लेना मतलब मुश्किल हो गया था, वो ठीक हो गया। और अभी मैं वो भी कॉफ़ी भी लेती हूँ। कॉफ़ी कौन सी लेते हैं? ये टू इन वन कॉफ़ी लेते हैं। ये लेती हूँ। और टू इन वन कॉफ़ी, और इसके साथ क्या लेते हैं? ये पेस्ट लेती हूँ मैं, एक एक चम्मच, एक ये पेस्ट। ये टू इन वन कॉफ़ी के साथ पेस्ट, ये कैसे लेते हो आप? आपको ये कैसे आइडिया लगा कि, मतलब हम लोग इतने साल हो गए इंडिएक्शन को कंज्यूम करते हुए बताते हुए, लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग आपके मुँह से सुनना चाहेंगे कि आप ये टू इन वन कॉफ़ी और पेस्ट को कैसे आपके माइंड में आया और इसको कैसे लेते हो, आपको इसका बेनिफिट क्या क्या मिला? ये मैं खाली कॉफ़ी लेती हूँ तो मेरे को बीपी लो होता है। खाली कॉफ़ी लेने से बीपी लो था? चाहे गर्म में पी लूँ, चाहे ठंडे में पी लूँ, तो बीपी लो हो जाता। ठीक है। फिर गर्म पानी में, मतलब ये पेस्ट एक चम्मच लेके, मतलब घोल लेती हूँ। पेस्ट को ही गर्म पानी में घोल लेते हैं और उसमें कॉफ़ी ऐड कर देते हैं। कॉफ़ी कितनी ऐड करते हो? एक पाउच लेती हूँ इसमें से, एक पाउच पूरा कॉफ़ी का और एक चम्मच पेस्ट। हाँ जी। तो आपको ये कैसे आइडिया है कि कॉफ़ी में जो है पेस्ट मिला के लेने से जो है शरीर में आराम मिलता है, ये किसने बताया, ये कैसे दिमाग में आपका आइडिया आया? वो मेरे भाई हैं, उन्होंने बताया कि मतलब इस तरह मिक्स करके पी ले और मतलब ठीक हो जाएगा। जब से आपने कॉफ़ी में पेस्ट मिलाकर लेनी शुरू करी है तो आपको क्या बेनिफिट मिला? बीपी लो ठीक हो गया।
बीपी लो आपका ठीक हो गया, हाँ। सांस लेने में भी ठीक प्रॉब्लम ठीक होगी, और पेट का जो कब्जी बनता है वो ठीक हो गया। अच्छा, पेट में जो कब्ज वगैरह रहती थी वो नहीं होती? हाँ, वो नहीं होती। जैसे पेट फूल जाता है, उल्टियाँ, दस्त, अच्छा, ये सब के लिए मतलब बेशक मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब कैप्सूल लेने से अच्छा ये दोनों अगर आपके बजट में नहीं है तो ये दोनों ले सकते हैं। तो इसमें नोनी जूस भी पीते हैं आप? हाँ, वो भी पी रही थी पहले, अब कुछ दिन से मैंने छोड़ा है, पहले पीती थी, पर अभी तो मैं यही मतलब कैप्सूल भी ले रही हूँ और ये भी ले रही हूँ। कैप्सूल भी खा रहे हैं और ये भी, लेकिन अब आपको इस तरीके से कॉफ़ी के अंदर पेस्ट बनाने से ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है? हाँ। तो ये जितनी भी महिलाएं, जितने भी लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अब यही है ना कि अब उनके पास पैसे की कमी है ज़्यादा, जिन पे पैसे की कमी है तो वो कॉफ़ी और जो है पेस्ट ज़रूर यूज़ करें। हाँ, ये दोनों यूज़ करें कि ज़्यादा मतलब कैप्सूल वगैरह अगर ले सकते हैं तो ठीक है, कैप्सूल लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉफ़ी और पेस्ट से आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। अगर ले सकते हैं, अपने बजट में है तो अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब ये है कि ये दोनों अगर दिन में दो बार या तीन बार एक बार भी ले लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, इससे बच्चेदानी का जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक हो जाएगा, बच्चेदानी वाली प्रॉब्लम भी ठीक होगी, उनकी कैंसर तक ठीक हो जाती है इससे, बच्चेदानी में जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मतलब जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसको बहुत बेनिफिट देती है। ये कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी, गैस्ट्रिक, थायराइड, कोई भी प्रॉब्लम हो, सांस की प्रॉब्लम हो, और कब जैसे मतलब गले में कब बनता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगा इससे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम कला जी। ये प्रेम कला जी हैं चंडीगढ़ से, जिनको थायराइड था, अपनी मल्टी डिसीज थी, थायराइड की वजह से बहुत परेशान थी, पेट अपसेट रहता था, इन्होंने डिएक्शन गैनोडर्मा, शरीर का सूजन भी, डिएक्शन गैनोडर्मा और RGGL नोनी ब्लैक कॉफ़ी, और इन्होंने एक नया फार्मूला बताया कि 2-in-1 कॉफ़ी के अंदर अगर पेस्ट को घोल के पिया जाए तो हमारे ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। चलो प्रेम कला जी, हम लोगों की आपकी साथ शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही ठीक हुए तो अपने साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों को जोड़ के रखें, उन लोगों को इसके बारे में बताएँ। ओके, थैंक यू।